स्टॉपवॉच वाला फीचर उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो काफ़ी लोग कोई टारगेट सेट करते हैं ना यार, कौन सा काम करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, उसके लिए इस वाले फीचर का बहुत बढ़िया फीचर यूज होता है ये वाला। उसके बाद करता हूँ बैक टेकिंग पिक्चर वाला जो ऑप्शन है, ये कैमरा रिमोट का काम करेगा। जैसे टीवी का रिमोट होता है ना, ऐसे ही आपके फ़ोन के कैमरे का रिमोट बनेगा, लेकिन वॉच पहले फ़ोन से कनेक्ट होना जरूरी है। अगर आपकी वॉच फ़ोन से कनेक्ट है भाई, एक और ट्रेंडिंग स्मार्ट वॉच आ चुकी है। वॉच का मॉडल नंबर है S9 Ultra 2। गोल्डन वॉच होने वाली है, डबल स्ट्रैप से ज़्यादा आपको ये वाली वॉच मिलने वाली है, और वॉच की प्राइस होने वाली सिर्फ 1000 रुपये। अगर आपका बजट 1000 रुपये का, तो आप ये S9 Ultra 2 गोल्डन अपडेट वर्जन ले सकते हैं। इससे पहले वाला जो मॉडल आया था उससे अपडेट हो चुका है, प्राइस होने वाली सिर्फ 1000 रुपये। वीडियो पूरा देखना, जानकारी आपको पूरी दे दूंगा इसी वीडियो में। वॉच को कैसे यूज किया जाता है, वॉच का ब्लूटूथ कैसे ऑन किया जाता है, वॉच का ऐप कहाँ से डाउनलोड होता है, सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो आप वॉच के एक्सपर्ट बन जाओगे कि वॉच को कनेक्ट कैसे करना है, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है यार, हम वॉच तो ले लेते हैं, कनेक्ट करना आती नहीं है, फिर दिक्कत होती है। तो अगर आपको वॉच के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो पूरा देखना, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मार्केट्स में जो भी नई वॉचें लॉन्च होती हैं और जो भी वॉचें ट्रेंड में होती हैं, जानकारी उनकी सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाती है। और नई नई वॉचों की अनबॉक्सिंग हम हमारे चैनल पर करते रहते हैं। वॉच कनेक्ट कैसे करते हैं, कैसे ऐप डाउनलोड किया जाता है वॉच का, सब कुछ हम बताते हैं। देखो, सबसे पहले तो वॉच का यूजर मैनुअल आपको देखने को मिलता है, इसमें वॉच के फीचर्स वगैरह सब कुछ इसमें डिटेल में लिखे होते हैं। बारकोड जो देखा है, बारकोड को स्कैन करके आप वॉच का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से फीचर्स वगैरह, कौन से फीचर्स होने वाले हैं, कैसे यूज करना है, वो सारे आप इसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको और बताता हूँ, इसमें आपको मिलता है डबल स्ट्रैप। एक तो आपको ये वाला गोल्डन स्ट्रैप इसमें देखने को मिल जाता है, एक आपको ओशन स्ट्रैप इसमें देखने को मिल जाता है। नीचे आपको इसमें वायरलेस चार्जर भी है। वायरलेस चार्जर को बाद में अब बात कर लेते हैं वॉच की, वॉच के क्या क्या फ़ीचर्स हैं वो सब कुछ इसी वीडियो में मैं कवर कर दूंगा। अगर आपने वीडियो पूरा देख लिया तो जानकारी मैं आपको इसी वीडियो में पूरी दे दूंगा। क्या चिपक रहा है बिल्कुल हाथ में, तो थोड़ा सा मैं वॉच को डस्ट क्लियर करके आपको क्लियरिटी दिखाता हूँ वॉच की। बस वीडियो पूरा देखिए, जिससे कोई भी जानकारी मिस ना हो पाए, ठीक है। इस वॉच की प्राइस ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 1000 रुपये है, और वॉच का लुक देखो कितना प्रीमियम लुक होने वाला है। वॉच का पीछे स्क्रू एंड स्ट्रैप लॉक वाला ऑप्शन भी दिखा रखा है इसमें, देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको और दिखाता हूँ, इस वॉच को ऑन करके आपको दिखाता हूँ। तीनों बटन वर्किंग होता है, क्राउन वर्किंग होता है, कॉल मिला सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं, कस्टमाइज वॉलपेपर वगैरह भी आप ऐप के जरिए इसमें ट्राई कर सकते हैं। एक से बढ़कर एक आपको इसमें वॉलपेपर देखने को मिलेंगे। वॉलपेपर के बाद जो यहाँ पे इधर साइड में बटन है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे, ये आपका स्पोर्ट्स मोड ऑन कर देगा, जिसमें आपका वॉक है, रन है, राइड है, क्लाइंब है, ट्रेडमिल है, काफ़ी तरह के आपको स्पोर्ट्स मोड इसमें देखने को मिल जाता है। स्पोर्ट्स मोड के बाद आपको और दिखाता हूँ, एक सेकंड में मैन स्टाइल, पहले मैन मैन स्टाइल पर मैं चला जाता हूँ, उसके बाद आपको बाकी मैन स्टाइल फिर से दिखाता हूँ। देखो, ये है हमारी मैन स्टाइल टच। देखो, लैगिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, कि कोई वॉचों में लैगिंग भी होती है वो तो आप बिल्कुल ही भूल जाओ। इस वॉच के अंदर, इस वॉच में बिल्कुल लैगिंग नहीं है, और यहाँ से आप थोड़ा सेंसर भी आप देख सकते हैं। इसके लिए बजट आपको चाहिए होगा 1000 रुपये का। अगर आपका 1000 रुपये का बजट है तो आपको डबल स्ट्रैप्स आ रहे हैं, गोल्डन वॉच मिल रही है, और वो भी सबसे लेटेस्ट अपग्रेड वर्जन। ये देखिए, एक से बढ़कर एक वॉलपेपर है, टच मैंने आपको दिखा दिया, एक मैफल आपको ये वाली मिलने वाली है। अगर आप क्राउन पर डबल क्लिक करेंगे, मैफल चेंज हो जाएगी। इसमें आपका स्पोर्ट्स मोड मैंने दिखाई दिया, यहाँ से भी आप स्पोर्ट्स मोड ऑन कर सकते हैं। स्लिप का ऑप्शन आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है, पेडोमीटर का ऑप्शन आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है, हार्ट रेट का सेंसर है, ब्लड प्रेशर का सेंसर है, ब्लड ऑक्सीजन का है, फिर मैसेज जो दिखा रखा है, ये मैसेज नोटिफिकेशन वाला फीचर है। नोटिफिकेशन कब आएगी, जब वॉच को ऐप से कनेक्ट करेंगे। ऐप से कनेक्ट करने के बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाकर नोटिफिकेशन ऑन करनी होती है, उसके बाद नोटिफिकेशन आना चालू हो जाती है। डायलर दे रखा है ब्लूटूथ कॉलिंग के लिए, ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के बाद आप कॉलिंग इसमें कर सकते हैं। पहले वॉच को ब्लूटूथ से कनेक्ट कर लेना, उसके बाद आप यहाँ से कॉलिंग कर पाएंगे, अपने फ़ोन की कॉलिंग वॉच के जरिए आप कर सकते हैं। ब्लूटूथ म्यूजिक कंट्रोल भी आप इस वॉच के जरिए कर सकते हैं। उसके बाद वेदर वाला ऑप्शन भी वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। वेदर के बाद कैलकुलेटर भी आपको इस वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है, अपना हिसाब वगैरह आप यहां से यूज कर सकते हैं। इसके बाद करता हूं बैक, अलार्म क्लॉक का ऑप्शन आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है, यहां से अलार्म वगैरह भी आप लगा सकते हैं। सैनिटरी वाला ऑप्शन भी है इसमें, इसके बाद आपको और दिखाता हूँ, स्टॉप वॉच भी दे रखा है इसमें। स्टॉप वॉच वाला फीचर उन लोगों के लिए बेस्ट होता है जो काफ़ी लोग कोई टारगेट सेट करते हैं ना यार, कौन सा काम करने में हमें कितना टाइम लग रहा है, उसके लिए इस वाले फ़ीचर का बहुत बढ़िया फीचर यूज होता है ये वाला। उसके बाद करता हूँ बैक टेकिंग पिक्चर वाला जो ऑप्शन है, ये कैमरा रिमोट का काम करेगा। जैसे टीवी का रिमोट होता है ना, ऐसे ही आपके फ़ोन के कैमरे का रिमोट बनेगा, लेकिन वॉच पहले फ़ोन से कनेक्ट होना ज़रूरी है। अगर आपकी वॉच फ़ोन से कनेक्ट है तो आप सिंपल सा फ़ोन की फ़ोटो वॉच के जरिए क्लिक कर सकते हैं।
वॉइस कंट्रोल का ऑप्शन, वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन भी है इसमें। उसके बाद फाइंड फ़ोन वाला ऑप्शन, इस वाले फीचर का बताता हूँ मैं। इसमें ऐसा होता है जैसे मान लो कभी कभार हम फ़ोन रख के भूल जाते हैं ना फ़ोन कहाँ रख दिया, मिल नहीं रहा, लेकिन वॉच आपके फ़ोन से कनेक्टेड, तो सिंपल था क्या करना है आपको, फाइंड फ़ोन पर क्लिक करना है। उसके बाद पता क्या होगा, आपके फ़ोन में वाइब्रेशन या बेल बजने लगेगी जिससे आपको पता चल जाएगा फ़ोन कहाँ रखा हुआ है। कार रेसिंग वाला गेम भी आपको इस वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। गेम खेलने के बाद गेम भी आप इसमें खेल सकते हैं। गेम के बाद आपको और दिखाता हूँ, सेटिंग्स वाला ऑप्शन आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह, नोटिस, काफ़ी तरह के फीचर्स हैं, आप पढ़ सकते हैं इसमें। उसके बाद जनरल, यहाँ से ब्लूटूथ को ऑन कर लेना वॉच का, क्योंकि अगर आप वॉच का ब्लूटूथ ऑन नहीं करेंगे तो वॉच ब्लूटूथ सर्च में नहीं आएगी, और सर्च में नहीं आएगी तो कनेक्ट नहीं होगी। तो इसका आपको पहले ध्यान रखना है, ब्लूटूथ इस वॉच का यहाँ से ऑन होगा, ठीक है। जनरल में जाके डू नॉट डिस्टर्ब मोड भी आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले ब्राइटनेस कम ज़्यादा करनी वो आप यहाँ से कर ही सकते हो। उसके बाद डायनामिक आइसलैंड वाला फीचर भी है इसमें, ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हैं। कवर द ब्रेस, पिंच टू आंसर, नाइट ब्राइटनेस मोड भी इस वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। फीचर के मामले में तो ज़बरदस्त है यार। टाइम सेटिंग है इसमें, 12 घंटे 24 घंटे दोनों फॉर्मेट है इसमें। काफ़ी वॉच ऐसी होती है जिसमें सिर्फ 24 घंटे का फॉर्मेट होता है, लेकिन इस वॉच के अंदर 12 घंटे 24 घंटे दोनों फॉर्मेट इसमें दे रखे हैं। मेनू स्टाइल में आपको टोटल 6 तरह के मेनू स्टाइल है, कौन कौन सी सारे इस वीडियो में कवर कर दूंगा मैं। साउंड एंड टच, SOS, की डेफिनेशन मतलब स्पोर्ट्स मोड इस वॉच के अंदर, इस की के अंदर स्पोर्ट्स मोड सेट है। बाकी आप जिस फीचर का ज़्यादा यूज करते हैं वो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। टॉर्च का ऑप्शन जो दे रखा है, लो लाइट में आप इसको वाइट स्क्रीन का इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद करता हूँ मैं बैक, कैलेंडर का ऑप्शन वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। कॉन्टैक्ट का ऑप्शन, वी चैट, QQ, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सअप जो दिखा रखा है ना, ये नोटिफिकेशन वाला फीचर है। नोटिफिकेशन कब आएगी, जब वॉच को ऐप से कनेक्ट करेंगे। ऐप से कनेक्ट करने के बाद नोटिफिकेशन सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तब आएगी नोटिफिकेशन। ड्रिंक का ऑप्शन भी आपको वॉच के अंदर दे रखा है इंटरवल में। उसके बाद शट डाउन का ऑप्शन है। लैंग्वेज अपने पसंद से कोई से भी आप यहाँ से लगा सकते हो। QR कोड, वॉच का ऐप कैसे डाउनलोड करना है उसके लिए बता दूँ। ये इस QR कोड को आपको अपने फ़ोन के स्कैनर से स्कैन करना है। उसके बाद एक लिंक आएगी, लिंक पे क्लिक करके वॉच का ऐप डाउनलोड होगा, उसी ऐप से वॉच कनेक्ट होगी। काफ़ी लोग कोई सा भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, कनेक्ट करने लगते हैं, तो भैया सारे ऐप से वॉच कनेक्ट नहीं होती, जो वॉच का ऐप होगा उसी से वॉच कनेक्ट होगी। बाकी फीचर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद बात करते हैं मैक्सल और कौन कौन सी होने वाले। देखो डबल क्लिक आप एक साथ करोगे, मैक्सल आपकी चेंज हो जाएगी, एक मैक्सल आपको ये वाली देखने को मिल जाती है। ऑल इंडिया हमारी डिलीवरी जाती है, कहीं भी आप डिलीवरी करवा सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी भी आपको मिल जाती है। कैश ऑन डिलीवरी में सिर्फ आपको कुरियर चार्ज पहले देना पड़ेगा। कुरियर चार्ज देने के बाद आप कश्मीर से कन्याकुमारी कहीं भी डिलीवरी आप करवा सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैंने लगभग वॉच के सारे फीचर बता दिए हैं। वॉच ब्लूटूथ कॉलिंग वाली है, कॉल मिला सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं। डबल स्ट्रैप के साथ आपको ये वाली वॉच आती है, पीछे स्क्रू एंड स्ट्रैप लॉक वायरलेस चार्जिंग वाली वॉच होने वाली है। तीनों बटन वर्किंग है, क्राउन वर्किंग है, कॉल मिला सकते हैं, कॉल उठा सकते हैं। कस्टमाइज वॉलपेपर भी आप ऐप के जरिए इसमें ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी आपको वॉच के अंदर देखने को मिल जाता है। जिसको भी लेना है वीडियो के नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर मिलेगा। डिलीवरी मैंने आपको बताई दी, ऑल इंडिया डिलीवरी है, फास्ट कोरियर का हम यूज करते हैं जिससे आपकी डिलीवरी फास्ट हो जाती है, सेफ और सिक्योर डिलीवरी आपको मिल जाती है। पेमेंट करने के बाद आपको आपके पार्सल की ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी अगर आप करवाते हैं तो कैश ऑन डिलीवरी में कोरियर चार्ज आपको पहले देना पड़ेगा। कोरियर चार्ज देने के बाद आपको आपके पार्सल की ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगी, जिससे आपको ट्रस्ट हो जाएगा, आप अपने पार्सल को ट्रैक कर सकते हैं कि आपका पार्सल कहाँ तक पहुँचा।